हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग केयर। दोस्तों, बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं, इसके फर्स्ट पार्ट में हम बच्चों को फोर लाइंस बनवाना सिखा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आई आइकन पर जाकर देख सकते हैं। आज हम इन फोर लाइंस मिस स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन, बैकवर्ड स्लांटिंग लाइन का यूज कर बच्चों को इंग्लिश के कुछ अल्फाबेट राइट करना सिखाएंगे। सो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों को हमें स्मार्ट ढंग से लिखवाना है, इसलिए सबसे पहले हम बच्चे को ए बी सी ये सारे लेटर्स लिखना नहीं सिखाएंगे। सबसे पहले हम बच्चों को एल, देन टी, देन आई, देन एफ, ई, एच, वी, एक्स, वाई, एन, ए, के, जेड, डब्ल्यू, एम ये सारे लेटर्स बनाना सिखाएंगे। ये सारे लेटर्स जिस ऑर्डर में लिखे गए हैं आपको उसी ऑर्डर में अपने बच्चे को लेटर्स बनाना सिखाना है। मैं सबसे पहले आप अपने बच्चे को एल बनाना सिखाएंगे, देन टी बनाना सिखाएंगे, उसके बाद आई बनाना सिखाएंगे, उसके बाद एफ, उसके बाद ई, उसके बाद एच, उसके बाद वी, उसके बाद एक्स, उसके बाद वाई, उसके बाद एन, उसके बाद ए, देन के, जेड, डब्ल्यू, एम ये सारे लेटर्स बनाना सिखाएंगे। सो आइए अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि बच्चे को एल बनाना कैसे सिखाएं। बच्चे को L बनाना सिखाने के लिए आपको एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी होगी, जस्ट लाइक दिस। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, दिस इज L। बच्चे को T बनाना सिखाने के लिए आपको एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी होगी, जस्ट लाइक दिस। स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, दिस इज T, T फॉर टाइगर। बच्चे को आई बनाना सिखाने के लिए आपको एक स्टैंडिंग लाइन और दो स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी होगी, जस्ट लाइक दिस। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, दिस इज आई। बच्चे को एफ बनाना सिखाने के लिए आपको एक स्टैंडिंग लाइन, दो स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी होगी, जस्ट लाइक दिस। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, दिस इज एफ। बच्चे को ई बनाना सिखाने के लिए आपको एक स्टैंडिंग लाइन, थ्री स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी होगी, जस्ट लाइक दिस। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, दिस इज ई। बच्चे को एच बनाना सिखाने के लिए दो स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी होगी, जस्ट लाइक दिस। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, दिस इज एच। बच्चे को वी बनाना सिखाने के लिए एक फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन और एक बैकवर्ड स्लांटिंग लाइन को ड्रॉ करना होगा, जस्ट लाइक दिस। बैकवर्ड स्लांटिंग लाइन, फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन, दिस इज वी। बच्चे को एक्स बनाना सिखाने के लिए एक बैकवर्ड स्लांटिंग लाइन और एक फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करनी होगी, जस्ट लाइक दिस। बैकवर्ड स्लांटिंग लाइन, देन फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन, दिस इज एक्स। बच्चे को वाई बनाना सिखाने के लिए एक बैकवर्ड स्लांटिंग लाइन और एक फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करना होगा, जस्ट लाइक दिस। बैकवर्ड स्लांटिंग लाइन, देन फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन, दिस इज वाई। बच्चे को एन बनाना सिखाने के लिए दो स्टैंडिंग लाइन और एक बैकवर्ड स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करनी होगी, जस्ट लाइक दिस। फर्स्ट ड्रॉ स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन स्लांटिंग लाइन, बैकवर्ड स्लांटिंग लाइन, दिस इज एन। बच्चे को ए बनाना सिखाने के लिए एक फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन, एक बैकवर्ड स्लांटिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करवाना होगा, जस्ट लाइक दिस। फर्स्ट फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन, देन बैकवर्ड स्लांटिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, दिस इज ए। बच्चे को के बनाना सिखाने के लिए एक स्टैंडिंग लाइन, दो स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करवाना होगा, जस्ट लाइक दिस। स्टैंडिंग लाइन, देन स्लांटिंग लाइन, देन स्लांटिंग लाइन, दिस इज के। बच्चे को जी बनाना सिखाने के लिए आपको दो स्लीपिंग लाइन और एक फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करनी होगी, जस्ट लाइक दिस। स्लीपिंग लाइन, फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन, देन अगेन स्लीपिंग लाइन, दिस इज जेड। बच्चे को डब्ल्यू बनाना सिखाने के लिए आपको फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन और बैकवर्ड स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करनी होगी, जस्ट लाइक दिस। This is W. बच्चे को M बनाना सिखाने के लिए आपको दो स्टैंडिंग लाइन, एक फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन, एक बैकवर्ड स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करनी होगी, जस्ट लाइक दिस।
स्टैंडिंग लाइन, बैकवर्ड स्लांटिंग लाइन, फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, दिस इज एम। सो इस तरह से आप अपने बच्चे को इंग्लिश के सारे लेटर्स राइट करना सिखाइए। बच्चे जल्दी इन सारे लेटर्स को बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि ये सारे लेटर्स फोर लाइन से मिलकर बने हैं, जिसे हम बच्चे को पहले ही बनाना सिखा चुके हैं। शुरू में बच्चे को आप सभी लेटर्स की प्रैक्टिस प्लेन पेपर पर करवाइए। जब बच्चा प्लेन पेपर पर लेटर्स बनाने लगे, तब आप इंग्लिश की चार लाइन वाली कॉपी पर मैनी डॉट्स देकर बच्चे की प्रैक्टिस करवाइए। इंग्लिश अल्फाबेट के बाकी बचे लेटर्स को बच्चे को कैसे बनाना सिखाना, वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। पेरेंटिंग केयर पर अगर आप नए विजिटर हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।